परंतु ये कार्यक्रम आज पौष बहुल सप्तमी पर स्वामी विवेकानंद के तिथि अनुसार जन्मदिन पर संपन्न हो रहा है और ये मात्र ऐसे ही बना, कोई संयोग नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य और स्वामी विवेकानंद की दूरदृष्टि से देखा गया भारत के नवोत्थान का पथ, इसमें बहुत घनिष्ठ नाता है। स्वयंसेवक कार्यक्रम कैसे कर रहे हैं, स्वयंसेवकों का अनुशासन कैसा है, कोई कार्य हाथ में लेने के बाद उसको परिणाम तक ले जाने का कार्य स्वयंसेवक किस ढंग से करते हैं, इस पर से यहां के जो दर्शक गण है वो संघ को समझेंगे। परंतु संघ के स्वयंसेवक को अपने संघ में हम जो विचार सुनते हैं, अभी स्वामी जी के सार्ध जन्मशती का संपूर्ण देश में जो उद्यम चल रहा है और वर्ष भर चलने वाला है, उसमें अनेक कार्यक्रम होंगे, उसमें हम जो स्वामी जी के विचार सुनेंगे, उन दोनों का नाता समझकर अपने जीवन में चलना है। और इसलिए आज का यह कार्यक्रम हमारे लिए आत्मचिंतन का कार्यक्रम है। लोगों को लगता है कि यह शक्ति प्रदर्शन है, शक्ति को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती, शक्ति अगर है तो दिखाई देती है। और संघ किसी को अपनी ताकत दिखाना नहीं चाहता, संघ तो अपनी आत्मीयता देना चाहता है, सेवा करना चाहता है। अब सेवा करने वालों की आत्मीयता दिखाने वालों की शक्ति बढ़ेगी तो दिखेगी, उसके लिए हमको कार्यक्रम नहीं करना पड़ता। आज का हमारा कार्यक्रम स्वयं सेवकों के आत्मचिंतन के लिए है। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, संघ में हम क्या कहते हैं, कैसा होता है, इन दोनों का जो नाता है उसको समझकर मेरे अपने जीवन में मैं कितना आगे बढ़ा हूं।